आप चेक कर लो, चाहे इनवर्स 11 मीटर लिख दो चाहे इनवर्स 1 एंगस्ट्रॉम, दोनों वैल्यू बराबर है तो बराबर ही तो लिखनी है। अगला देखो डी, इनवर्स 7 मीटर कितना माइक्रोमीटर के इक्वल होगा, इसको देखना है ना। तो इनवर्स 7 मीटर इस साइड है और इस साइड है इनवर्स 6 मीटर, तो अब हमें दोनों तरफ इनवर्स 7 करना पड़ेगा। तो किससे कर दें मल्टीप्लाई, टेन इनवर्स 1, मतलब टेन इनवर्स 1 माइक्रोमीटर किसके इक्वल होगा, इनवर्स 7 मीटर के, बन जाएगा। चलो अब बच्चों ये तो हमने आपको बहुत प्रैक्टिस करा दी है ना, अब आपको मेन आपको वैल्यू याद रखनी है, भूलना नहीं है बिल्कुल पक्का, कि डेसी की इनवर्स 1, सेंटी की इनवर्स 2, मिली की इनवर्स 3, फिर बहुत इम्पॉर्टेंट है माइक्रो नैनो पिको, -6 -9 -12 और वहाँ से -6 -9 -12 मेगा गीगा टेरा, ये आपको याद रखनी है। चलो डालो अगली हेडिंग, अगली हेडिंग बहुत अच्छे से बच्चों नोट्स बनाने हैं इनके, हम कॉपी फेयर कॉपी चेक करेंगे अगर हमें नोट्स में बिल्कुल सफाई नहीं दिखी। देखो पढ़ाई वैसे हम कोई भी वो नहीं करेंगे ढीलदार, बिल्कुल सफाई से नोट्स चाहिए और बिल्कुल चमकती हुई देखना चाहिए कि कहाँ से क्या लिखा है, जहाँ से एटम लिखा तो दिखना चाहिए एटम लिखा है, जहाँ से मॉलिक्यूल लिखा है वहाँ से दिखना चाहिए मॉलिक्यूल लिखा है, मतलब हमें ढूंढना ना पड़े कुछ भी, हेडिंग हमारी बहुत क्लियर दिखनी चाहिए। और कोशिश किया करो हेडिंग बीचों बीच डालो यहाँ पर, और उसके अंदर अगर सब हेडिंग आए तो वो कहाँ डालो, साइड में, जैसे हम पढ़ रहे हैं एटम तो एटम बीचों बीच डालो, कोशिश करो और फिर लिखो, फिर एटम के अंदर आया आपके सब पार्ट ऑफ एटम प्रॉपर्टीज ऑफ एटम तो वो कहाँ डाल दो, साइड में, ऐसे ऐसे ही पेपर में लिखना पड़ता है, तो उससे हमारे नंबर्स बढ़ जाते हैं। ठीक है डाली हेडिंग, टेम्परेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कैपिटल टी, टी ई एम पी ई आर ए टी यू आर ई, टेम्परेचर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। अब आपको बच्चों तीनों टेम्परेचर आने चाहिए और उनका कन्वर्जन आना चाहिए, आपको डिग्री सेल्सियस भी आना चाहिए, डिग्री फ़ारेनहाइट भी आना चाहिए और केल्विन भी आना चाहिए, और तीनों को कन्वर्ट करना चाहिए। ठीक है तो इसको अपन सीखते हैं आज पूरा अच्छे से सीख लेंगे इसे हम टेम्परेचर को। पहले बच्चों हम आपसे पूछेंगे क्या आप डिफाइन कर सकते हो टेम्परेचर, कोई पूछे टेम्परेचर क्या है आप बता सकते हो कि टेम्परेचर क्या है, कोई इसकी डेफिनेशन बता सकता है, महसूस तो आप करते हो टेम्परेचर, जैसे कि ठंडियों में ठंडा गर्मियों में गर्म है ना, हर प्रकार का टेम्परेचर हम महसूस करते हैं, कम गर्म ज़्यादा गर्म कहते हैं, चाहे ठंडी है चाहे गर्म है, तो टेम्परेचर क्या है जो हमें हॉटनेस एंड कूलनेस बताता है, हाँ मानसून, ठीक है। तो सबसे बेहतरीन अगर हम टेम्परेचर को ले जाएँ तो टेम्परेचर से हमें ये पता चलता है कि कोई चीज़ गर्म है कि ठंडी है, मतलब हॉटनेस एंड कूलनेस को बताता है। क्लियर, तो लिखिए टेम्परेचर, टेम्परेचर इज डिफाइंड एज, इस लाइन का मतलब हुआ टेम्परेचर को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, टेम्परेचर डिफाइन एज डिग्री ऑफ हॉटनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस, जैसे हम एक चीज को बोले, हम कहें कि चाय बहुत गर्म है तो हम उल्टा ही बोल सकते हैं कि चाय बहुत बहुत कम ठंडी है, दो तरह, जैसे हमने कहा चाय बहुत मीठी है
बहुत मीठी है तो हम ये बोल सकते, उल्टा ही बोल सकते कम फीकी है। मतलब एक चीज़ को हम गर्म के उसमें भी बता सकते हैं, ठंडे के उसके भी बता सकते हैं। जैसे हमने एक पानी रखा, हमने कहा ये पानी बहुत गर्म है, हम उल्टा ही बोल सकते हैं बहुत कम ठंडा है। तो हम हॉटनेस से भी बता सकते हैं, कूलनेस से भी बता सकते हैं। टेम्परेचर डिफाइन है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस। कोई चीज़ कितनी गर्म है कितनी ठंडी है ये हमें कौन बताता है? टेम्परेचर। ठीक है, अब देखना है कि टेम्परेचर को कितनी स्केल में मीजर किया जाता है। ठीक है, तो लिखिए, लाइन चेंज करके लिखिए, हैज लगा के या स्टार लगा के, देयर आर थ्री स्केल्स, देयर आर थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, देयर आर थ्री स्केल ऑफ टेम्परेचर। कितनी प्रकार की स्केल है टेम्परेचर की? तीन प्रकार की। फर्स्ट लिखिए, फर्स्ट है हमारी डिग्री सेल्सियस। देखो कैसे लिखा जाता है, पहले लिखने का तरीका सीखो, डिग्री और सेल्सियस है ना, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस है ना। अब कई बच्चे क्या करते हैं, देखो उनने लिखा 1 डिग्री सेल्सियस तो ऐसे लिख देते हैं, गलत तरीका है। डिग्री सेल्सियस, डिग्री किस पे लगानी है? सेल्सियस पे, ध्यान रखनी है ना, एक छोटी छोटी सी गलती, डिग्री सेल्सियस। अगली देखो बच्चों, दूसरी होती है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और बच्चों तीसरी होती है, मतलब पहली दूसरी तीसरी कोई भी नहीं है, कोई भी पहले लिखो तो कोई बात नहीं, और तीसरी होती है केल्विन। ध्यान रखना डिग्री केल्विन नहीं होती है, गलती से भी डिग्री केल्विन मत बोल देना, क्या बोलोगे? केल्विन। तो डिग्री में कौन सी दो स्केल होती है अगर कोई पूछ ले टेम्परेचर की, तो डिग्री सेल्सियस डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में नहीं होती। अब आपको एक बहुत ख़ास बात बताएं, नहीं ओनली केल्विन, एक बहुत ख़ास बात बताएं, जब आप सेल्सियस में टेम्परेचर नापते हो तो पॉजिटिव भी आ सकता है नेगेटिव भी आ सकता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी, लेकिन केल्विन में नेगेटिव वैल्यू आती नहीं है। जो सबसे कम टेम्परेचर है वो भी केल्विन में आपका नेगेटिव में नहीं आता है, मतलब इसमें जीरो आ सकता है, पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव नहीं आ सकता, इसमें सब आ सकता है, जीरो नेगेटिव पॉजिटिव, और इसमें भी सब आ सकता है। तो आपसे पूछ सकता है कि कौन सी स्केल है जिसमें कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है? केल्विन। और यही कौन से टेम्परेचर है? यही टेम्परेचर की SI यूनिट है ना, तो यही हम लिख लेंगे इसमें अच्छे से, पहला क्या, अच्छा चलो बाद में लिखवाते, पहले इतना लिख लो, लिख दिया इतना, चलो अब देखो बच्चों ध्यान से है ना, कुछ फैक्ट लिखेंगे हम, छोटी सी हेडिंग डालो वहीं पर, फैक्ट्स मतलब तथ्य, कुछ खास बातें। तो खास बातों में सबसे पहले बच्चों हम लिख रहे हैं केल्विन, बताओ टेम्परेचर की SI यूनिट क्या है? बहुत बढ़िया, केल्विन इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर।
तो आपसे पूछ ले कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन में एसआई यूनिट कौन है, तो एसआई। और आप ध्यान रखना, डिग्री में कौन सी दो यू बोली जाती है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, केल्विन में डिग्री नहीं लगता है। ध्यान, अब दूसरा देखो, आप दुनिया का कोई भी टेम्परेचर मीजर कर लो, केल्विन में निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती है, ऐसा उसको सेट किया गया है, अभी हम कराएंगे आपको। डिग्री में और फ़ारेनहाइट में नेगेटिव भी आती है, जीरो भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, लेकिन केल्विन में या तो जीरो आएगा या फिर पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं आ सकता। इसलिए आपसे पूछा जाता है कि अब्सोल्यूट स्केल किसे कहा जाता है, अब्सोल्यूट परफेक्ट स्केल, तो उस स्केल को अब्सोल्यूट स्केल किया कहा जाता है जिसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं आती हैं। और वो कौन है लिखिए, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एज देयर इज नो एनी निगेटिव वैल्यू इन सच स्केल। तो केल्विन को क्या कहा जाता है, अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि इस स्केल में कौन सी वैल्यू नहीं है, नेगेटिव नहीं है, है ना, कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आपको पता अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर तो केल्विन को कहा जाता है, लेकिन अब्सोल्यूट जीरो पता किसे कहा जाता है, अब्सोल्यूट जीरो, अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर नहीं, अब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है जीरो केल्विन को। अभी हम लिखवा देते हैं, फिर इसको कन्वर्ट करके भी सिखाएंगे। ठीक है, सी नंबर का पॉइंट लिख लीजिए, जीरो केल्विन, जब भी केल्विन लिखा करो ना, तो उनका नाम कैपिटल से लिखा करो, साइंटिस्ट है वो, जीरो केल्विन, ब्रैकेट में लिख लो जीरो केल्विन, ऐसा लगना लगे जीरो केल्विन, ओके ना लगे, ऐसे ना लिख देना, वो ना बनाना, जीरो, जीरो पता है कैसे बनता है, परफेक्ट जीरो ऐसे बनता है ना, मतलब ऐसे तो अपन कैसे भी बना सकते हैं, यहाँ थोड़ा वो फंस गया ना, इसलिए हमने पहले इंग्लिश में लिख दिया जीरो केल्विन। जीरो केल्विन को क्या कहते हैं, देखो बच्चों जल्दी से देखो, इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट जीरो, इसको बोलते हैं अब्सोल्यूट जीरो, या फिर अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। अब देखो हम पूछ रहे हैं कुछ आप लोगों से, बताओ टेम्परेचर की एसआई यूनिट कौन सी स्केल है जिसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं होती, अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर किसे कहते हैं, अब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर किसे कहते हैं, केल्विन को, और अब्सोल्यूट जीरो किसे कहते हैं, जीरो केल्विन को। चलो लिख लो, इतना लिख गया ये, चलो अच्छे से फैक्ट याद कर लेना। ठीक है, चलो
अब बच्चों हम तीनों स्केल बना देते हैं आपके सामने, ठीक है, देखना, फिर कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है। तो देखो बच्चों, जो हमारी डिग्री सेल्सियस स्केल होती है, डिग्री सेल्सियस, जो डिग्री सेल्सियस स्केल होती है वो चालू होती है 0 डिग्री सेल्सियस से और कहाँ ख़त्म होती है 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर नहीं होता, टेम्परेचर तो होता है। कितना सूरज का टेम्परेचर पता है? सूरज के अंदर कितना टेम्परेचर है अंदाज लगाओ कितना होगा? अरे इतना शब्दों में नहीं बोल सकते। लोहे का पहाड़ अगर सूरज से अरबों खरबों किलोमीटर भी दूर होगा ना, तो एक सेकंड के पहले भी पानी बन जाएगा, इतना टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा है तो टेम्परेचर। लेकिन अगर हम स्केल की बात करें तो स्केल में कहीं तो उसकी लिमिट रखनी पड़ेगी, ऐसे बनाते ही चले जाएंगे क्या? कितनी बड़ी? तो डिग्री सेल्सियस स्केल कहाँ से कहाँ तक होती है? 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। अगली देखो बच्चों, डिग्री फ़ारेनहाइट स्केल होती है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप लोगों बच्चे कमाल की बात पता क्या, 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एक ही वैल्यू है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और 100 डिग्री एक ही वैल्यू है। आप कहोगे सर ये तो सीधे सीधे, लेकिन मान लो हमने कोई ने 5 डिग्री सेल्सियस पूछ लिया फ़ारेनहाइट में, तो वो कन्वर्ट करना अभी सिखाते हैं, लेकिन पहले कम से कम हमें इतना तो याद हो जाए। हाँ कुछ बोले संजना? पढ़ा था, अब 12th में 11th में पढ़ लें एक बार और। चलो अब थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। जैसे तुम लोगों ने 9th से अभी तक पढ़ा होगा कि pH वैल्यू वाटर क्या होती है, 7। लेकिन अब जब इस साल तुम pH पढ़ोगे ना, तुम्हें पता चलेगा pH होता क्या है ना। तुमने वो pH का पी की बिंदु भी नहीं पढ़ी थी, और इस बार पूरा pH बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको। pH आपके आंसू का pH, खून का pH, नाक का pH, हर चीज़, समुद्र का pH, आम का pH, नींबू का pH, संतरे का pH, सब pH पढ़ लेने इस बार। और बच्चों तीसरी स्केल है केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर, डिग्री केल्विन नहीं, ये होती है आपकी 273.15 273.15। आप 0.15 अवॉइड भी कर सकते हो अगर चाहते हो तो, 373.15 केल्विन। तो ये होती है 273.15 केल्विन। तो बिल्कुल ये तीनों वैल्यू सेम है, और वो तीनों वैल्यू सेम है। अब बच्चों एक कमाल की चीज़ बताएंगे, 0 डिग्री सेल्सियस आखिरकार है क्या? इट इज़ अ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वाटर कब से मेल्ट होने लगा? आइस मेल्ट हो, मेल्ट होती है। 100 डिग्री सेल्सियस क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी कन्वर्ट करना तो सिखा देंगे, लेकिन अब आपसे कोई पूछे कि वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना चालू कर देता, अंदर 0 डिग्री पूछे नहीं, फैलना ही नहीं, बताओ 32 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं केल्विन में बताओ। कोई कहे 0 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करो तो तुरंत आंसर हो जाएगा तुरंत केल्विन। तो ये जो बच्चे यहाँ लिखा है, लिख लो लिख लो लिख लो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। कहीं आइस का फ्रीजिंग पॉइंट तो नहीं लिखा है? वाटर का आइस कहाँ से फ्रीज होगी, वो तो पहले ही से फ्रीज हो गई, बता दिया करो तुम लोग। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ऑफ वाटर। और ये साइड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट। हाँ क्या अरे कैसे अपन भाप बन के उड़ना, ये भी तुम रहना देना चाहती हो कि नहीं जन?
100 डिग्री सेल्सियस बेटा अपन जल नहीं जाएंगे, पानी उबलते देखा वो है, अगर उतना तापमान हो गया तो अपने यहाँ का तापमान अपन लोग उबल जाएंगे, जल जाएंगे, पूरा मांस सब गल पिघल जाएगा, हड्डियों के ढांचा बचेंगे अपन, कंकाल पूरी दुनिया में कंकाल ही कंकाल घूम रहे, बॉटम में डाले तुम उंगलिया ऐसा ना क्यों बेटा, जय तो उंगलिया अंदर आ है हड्डी बाहर, ऐसा ना किया करो बेटा। एक आदमी को हमने देखो तो टीवी में पकौड़ा बना रहा, तो झरिया की जगह हाथ से निकाल रहा, तो हमने कही भैया ये कहूँ उनके हाथ चलो जाए हड्डी ना आ जाए बाहर, नहीं भैया हमें नहीं देखने, हमें इंसान ही बनने, हमें झरिया को काम झरिया ही से करने भैया, हमें हाथ से नहीं, हमें इतने पहलवान नहीं बनने। बच्चों पर आपको एक चीज बताएं, आज से कुछ सालों पहले धरती का तापमान 35 से 40 से ऊपर जाता नहीं था, कहीं 41 हो जाता तो ऐसे बोलते अरे दद्दा रे इतना ज़्यादा टेम्परेचर, ऐसे बोलते थे सीधे चित, और आज आपको पता कहीं कहीं टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो गया है। फैन से टेम्परेचर का क्या मतलब, ये टेम्परेचर जो बढ़ रहा है ये पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है, पोल्यूशन की वजह से बढ़ रहा है। आपने अगर बीच गर्मी में अभी देखा हो तो इतना टेम्परेचर था कि आप छत पर या बाहर सड़क पे 10 सेकंड खड़े नहीं हो सकते थे बिना चप्पल के, हम भगवान को ढारने जाते थे छत पे तो उचक जाते थे, अब जब पाँव रख नहीं पा इतना गर्म, तो 50 डिग्री सेल्सियस में तो उचक उचक के चल रहे, 100 डिग्री सेल्सियस में ओढ़ के चलेंगे। भैया तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चन काहे आ रहे दिमाग, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछो। चलो ये हो गया, चलो अगला डालो हेडिंग, लिखिए हेडिंग, हेडिंग बनाइए छोटी सी, कन्वर्जन। पढ़ाई के बीच में डिस्टर्ब कर देती है मुझे, कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर हमें टेम्परेचर कन्वर्जन सीखना है बच्चों, किसमें डिग्री सेल्सियस से हमें फ़ारेनहाइट, सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और केल्विन का, तो हमें डिग्री सेल्सियस से केल्विन में भी आना चाहिए, केल्विन से फ़ारेनहाइट में आना चाहिए, कुल मिला के किसी से भी किसी में आना चाहिए और किसी से भी किसी में जाना आना चाहिए, चाहे इससे इसको पूछ ले, चाहे इससे इसको, चाहे इससे इससे, चाहे इससे इसको, चाहे इससे कहीं से भी, ठीक है। तो देखो पहले बच्चों, बड़े आपको बताते हैं, तो पहला आपको देखना है बिटवीन डिग्री सेल्सियस और एंड केल्विन, बच्चों ये सबसे इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है, बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ठीक है। तो बच्चों आप अपने पहले हम फॉर्मूला तो लिखवा दे रहे हैं, आप अपने मन में फील कर लो, जब भी डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है तो 273 ऐड कर देना है, सुनो एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद कर, जब भी डिग्री सेल्सियस को देखो ऐसे याद कर लो, जब भी आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में ले जाना है किसमें, तो कितना ऐड कर देना है 273, और एक्यूरेट करना है तो आप और कितना लिख सकते हो 0.15, ठीक है। अब उल्टा बोल दे हम, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में आना है तो इतना क्या कर देना, माइनस कर देना है, ठीक है। सेल्सियस में आना तो इतना माइनस कर देना है, ठीक है, चलो वो भी लिख देते हैं हम, केल्विन से अगर आपको जाना है डिग्री सेल्सियस में तो आपको इतना क्या कर देना है, माइनस कर देना है 273, ऐसे तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं है और कहीं भी यूज नहीं होता है, ठीक है। पहला क्लियर, कितना भी डिग्री सेल्सियस दिया हो सिर्फ इतना उसमें ऐड कर दो
और फिर साथ में क्या लिख दोगे, केल्विन। कितना भी केल्विन दिया हो इतना उससे हटा दो और फिर साथ में क्या लिख दोगे, डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये पहला वाला, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, अब इसको खूब प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो बच्चों, दूसरा बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो, तो आपको अगर डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी गई हो तो उसको फ़ारेनहाइट में कैसे ले जाना है, ये ध्यान से सुनना है आपको क्या करना है। ठीक है, देखो, आपको 1.8 का मल्टीप्लाई कर देना है जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी गई हो। ठीक है, 1.8 का मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, और उसके बाद आपको क्या कर देना है, 32 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेना और फिर इसको ऐड कर देना, तो आपका किस में चले जाएगा, डिग्री फ़ारेनहाइट में चला जाएगा ये। समझ भाई, जैसे आपको अगर 1.8 नहीं लिखना हो तो आप 1.8 की जगह 9/5 भी लिख सकते हो। 9/5 मतलब कितना होता है, 9.8। क्लियर है, करके देख लो, 5 1 जा 5, बचा 4, नहीं जाएगा डेसिमल, 40 तो 5 8 जा 40, ये बन जाएगा। अब देखो देखो, अब यही फॉर्मूले से हम जा सकते हैं, मान लो हमें फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में ले जाना है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ रख देंगे वैल्यू, चलो फॉर्मूला बना लेते हैं। ठीक है, वैसे तो हम कह रहे हैं दो फॉर्मूले की जरूरत नहीं, इसी फॉर्मूले में जरूर हो जाएगा सब। देखो कैसे, मान लो हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दी गई हो और फ़ारेनहाइट में जाना हो, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व कर देंगे तो किस में आ जाएगा, फ़ारेनहाइट। मान लो भाई फ़ारेनहाइट की दी गई हो तो हम वो वैल्यू यहाँ रख दें और बाकी सॉल्व कर देंगे तो हम किस में चले जाएंगे, सेल्सियस। मैं समझ में आ गया, तो एक ही से यही फॉर्मूला याद कर लो, इसी से हमारा सब हो जाएगा। ठीक है, चल बच्चों, अब ये बताओ, हमें फ़ारेनहाइट से केल्विन में जाना तो कैसे जाएं? तो आपको हम एक तरीका बताते हैं, तीसरा नंबर, ध्यान सुनो, आप ये तरीका लिख लो। सबसे पहले कुछ भी किया करो तो डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में किया करो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन में किया करो, मतलब आपको अगर केल्विन में वैल्यू दी गई हो और उसको फ़ारेनहाइट में ले जाना हो तो हमारे पास डायरेक्ट तो फॉर्मूला है नहीं है, तो हम पहले क्या करेंगे, केल्विन को ले जाएंगे डिग्री सेल्सियस में। ठीक है ना, ऐसा लिख लो, उल्टा ऐसे कर लो, केल्विन को हम पहले किस में ले जाएंगे, डिग्री सेल्सियस में, और फिर डिग्री सेल्सियस को हम किस में ले जाएंगे, फ़ारेनहाइट में ले जाएंगे। अब बच्चों ऐसे ही उल्टा भी है, मान लो आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया हो, केल्विन में पूछ ले, तो पहले डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में लाएंगे, डिग्री सेल्सियस में, और फिर डिग्री सेल्सियस से अब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब प्रैक्टिस टाइम है, सब कुछ आपके सामने लिख गया है। ठीक है, चलो सबसे ज़्यादा बच्चों